देखिए महादेव ऐप को लेकर के जिस प्रदेश से पूर्व सरकार के इन्वॉल्वमेंट और कुछ प्रमुख लोगों का इन्वॉल्वमेंट था यह स्पष्ट है। पहले दिन की एफआईआर से लेकर के जो मोहन नगर थाने में हुई थी, चाहे सुपेला में हुई हो, चाहे वहां पर जिन जिन लोगों के नाम आए थे उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की, प्रश्नवाचक चिन्ह वहीं से खड़ा हो गया। महादेव ऐप के अंदर जिन जिन लोगों के, प्रमुख लोगों के सुर्खियां लगातार बनती रही, ईडी ने जब रेड मारी और जब दस्तावेज के साथ में यह सौरभ चंद्राकर से संबंध किसके क्या है, यह प्रश्न बीजेपी भी लगातार उठाती रही है। वो महादेव ऐप को लेकर के हमने पूरे की पूरी एक जिस प्रकार का ट्रांजेक्शन, जिस प्रकार की वो बातचीत होती, भाजपा ने लगातार ईडी के सामने और ईडी ने अपने तथ्यों के आधार पर चार्जशीट दायर की और आज भी जाकर वो चार्जशीट में है।